नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है CDS 2020 एडमिट कार्ड। पहली बात, आपके 2020 के एडमिट कार्ड आ चुके हैं CDS के। और नंबर दूसरी बात, जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जो तीन इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाले हैं, अगर आपने ये टिप्स नहीं फॉलो की तो आपको एग्जाम देने नहीं दिए जाएगा, ठीक है। आपको गेट से ही भगा दिया जाएगा, आपको अंदर भी नहीं जाने दिया जाएगा। और दोस्तों, उसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है। वैसे तो ज़्यादातर कैंडिडेट को सब कुछ पता होता है कहाँ से करना है कैसे करना है, लेकिन फिर भी हम आपको एक डेमो के तौर पर बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है आपको, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं आपके साथ, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो को, लेके चलते सीधे आपको एडमिट कार्ड वाली लिंक पर। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपके लिए अच्छी अच्छी नोटिफिकेशन हम यहाँ पर लाते रहते। देखिए, थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं। यह है आपकी, देखिए, UPSC की तरफ से कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज बोला जाता है CDS को, ठीक है। तो ये 2020 का एकदम सेकंड है। इसका 15-10 से 8-11 तक, मतलब 15 अक्टूबर से 8 नवंबर तक आपके ये चलेंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। इसके बाद ये लिंक हो जाएगी बंद, आप एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर पाओगे। आपको क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद आपको क्लिक हियर पर, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, आपके लिए यहाँ पर ये खुलेगा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन। देखिए दोस्तों, यहाँ हम बता दें, देखिए जो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं वो बताने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, एक तो आप के लिए ये है नंबर फर्स्ट, ठीक है, और नंबर सेकंड यहाँ पर दो तीन ये है, इनको बाद में बताएंगे। पहले ये देखिए, परीक्षा स्थल पर आप लोग अपना जो एडमिट कार्ड है उसको प्रिंट करवा के ले जाना है, और उसके साथ एक आपको एक आईडी प्रूफ लेके जाना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो कोई भी आपका हो, ठीक है, वो ले जाना है, ठीक है। ये तो होगी नंबर पहली बात, ठीक है। और वैसे इंस्ट्रक्शन सारे पढ़ लेना, हम केवल आपको तीन जो मेन हैं वही बता रहे हैं, ठीक है। नंबर दूसरी बात, सभी उम्मीदवारों को मास्क फेस कवर पहनना अनिवार्य है। जिन उम्मीदवारों ने मास्क फेस कवर नहीं पहना होगा उन्हें परीक्षा स्थल से भगा दिया जाएगा, उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, नो एंट्री का उनके लिए ये समझ लो बोर्ड लगा हुआ है, जो अगर मास्क पहन के नहीं जाते हैं, ठीक है। और अगली बात, उम्मीदवारों को अपने साथ एक सैनिटाइजर की छोटी सीसी ले जानी होगी, जो कि ट्रांसपेरेंट मतलब उसके अंदर सैनिटाइजर भरा हुआ हो, वो देख सके, मतलब वाइट सीसी, ठीक है, उसमें सैनिटाइजर भरा होना चाहिए, छोटी वाली आप सैनिटाइजर की ले जाना, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे, देखिए यहाँ पर 19 इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, 19 को तो नहीं पढ़ के बताएंगे, ठीक है। अब ले चलते आपको सीधे यहाँ पर, ठीक है। देखिए, इसके नीचे आओगे तो यहाँ पर यस बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे यस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे लिए यहाँ पर एक वेबसाइट जो है ओपन होके मिल जाएगी, ठीक है। उस वेबसाइट में हम यहाँ पर पता करेंगे कि आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करने हैं, ठीक है। देखिए, आपके लिए ऐसा पेज खुल जाएगा CDS की तरफ से, जिसमें क्या है, आपको आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी है उससे भी कर सकते हैं, रोल नंबर से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं तो फॉरगेट कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। देखिए, मैं अगर बाय रजिस्ट्रेशन आईडी पर क्लिक करता हूँ तो मेरे लिए ये फॉर्म खुल जाता है, रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ, और ये यहाँ पर जो कैप्चा है ये यहाँ पर भरना है, और सबमिट पर क्लिक करेंगे हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं है तो बाय रोल नंबर करेंगे तो यहाँ पर रोल नंबर के जरिए भी हम कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो फॉरगेट आईडी करेंगे तो यहाँ पर नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ भरेंगे तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर जो है वो मिल जाएगा, उससे आप कर सकते हैं। दोस्तों, हमको आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी। दोस्तों, अगर आपको कैसा भी कमेंट सुझाव हो, कमेंट जरूर करना, हम आपको जवाब जरूर देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए और यहाँ तक धैर्य बनाए रहने के लिए और हमारे इस चैनल पर यहाँ तक बने रहने के लिए। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और आप सभी को हमारी प्यारी भरी राम राम।